सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो अभी स्टार्टिंग में देखा है, यानी कि एक इंसान को सांप कैसे बनाया जाता है, उस तरह की आप VFX वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आप अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं और सिखाते हैं आपको कि आप किस तरीके से VFX वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, और ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 960 रेशियो जो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है दोस्तों, आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने जो भी यहाँ पे आपने वीडियो शूट किया उस वीडियो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं उसके वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारी होम स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुकी है। देखिए दोस्तों हमारी टाइमलाइन और होम स्क्रीन पे ये वीडियो आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वीडियो में जहाँ तक आपका आप आ रहे हैं उस वीडियो को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। देखिए जो जहाँ घुस रहे हैं वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सीजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना, सबसे ऊपर जो आपको लिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना, तो आगे का पार्ट जो वो कट जाएगा। फिर आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। और दोस्तों मैंने इसको हाथ में पकड़ के ही वीडियो बनाई थी, और दोस्तों आप अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे भी इसको बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जब ये लड़का आ रहा है यहाँ तक, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ट्रिम करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक बार तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है स्प्लिट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है स्प्लिट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ये बीच में से कट जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है, और जहाँ पर मैंने इसको बताया था वहाँ पर इसको सेट करना है। ये देखिए इस पोजिशन पर ये आ चुका है, यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं ट्रिम लेफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये मैं ट्रिम लेफ्ट कर लिया, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ये जब ये बैठ रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा ले जाना है, यहाँ पे बैठ गया ये, यहाँ पे आपको ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ले जाने के बाद यहाँ पे स्प्लिट कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर से आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना, ये जो स्प्लिट लिखा हुआ ना यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों आपको एंडिंग में आ जाना है। एंडिंग आने के बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको आपको यहाँ से कैप्चर कर लेना है। यहाँ पे कैप्चर एंड शेप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जो कैप्चर एंड शेप लिखा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं कैप्चर एंड शेप किया, और ये हमारी वीडियो में, और दोस्तों ये यहाँ से फोटो कैप्चर कर लेगा और आपकी गैलरी में पहुँचा देगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर सेव हो चुका है, और जो एंडिंग वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर आपको ऊपर मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद जो आपने कैप्चर किया था वो उस फोटो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया उस फोटो को, और उस फोटो को ऐड करने के बाद इसका कुछ टाइमिंग यहाँ पे बढ़ा लेना है जहाँ तक आप अपना स्नेक को घुमाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ 19 सेकंड कर लिया है। और दोस्तों जहाँ ये लड़का बैठ रहा है, नीचे बैठा हुआ है, वहाँ पे आपको एक और स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट नहीं, यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कैप्चर कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं कैप्चर कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेवाए सेव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। तो दोस्तों सब मैं बैक चलता हूँ, यहाँ से जाने के बाद आपको एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर सर्च बार में यहाँ पर आपको सर्च करना है कि यहाँ पर आपको सर्च करना है बीजी रिमूवर। ठीक है, यहाँ पर आपको बीजी रिमूवर सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बीजी रिमूवर, ठीक है, ये लिखनी और आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक साइट खुलेगी बीजी रिमूवर के नाम से, ये साइट आपको खुलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पर आपको इमेज अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद जो आपने अभी स्क्रीन शॉट लिया था उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं चलो यहाँ से जल्दी से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। दोस्तों अब ये कुछ देर में यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है उसको आपको रिमूव करके यहाँ पे दे देगा। तो उसको आपको यहाँ से डाउनलोड फिर से कर लेना है। तो दोस्तों चलिए इसको एक बार रिमूव होने देते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड था इसका यहाँ पे रिमूव हो चुका है। चलिए इसको यहाँ से नीचे से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड अगर एचडी करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको फ्री में ही करते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और ये हमारी गैलरी में यहाँ पर ऊपर सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपनी फिर से कॉइनमास्टर ऐप में चलते हैं। तो दोस्तों फिर से हम अपने कॉइनमास्टर ऐप में आ चुके हैं। कॉइन मास्टर ऐप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वही फ़ोटो को यूज़ करना है। तो आपको फ़ोटो को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट में ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे बैठ चुका है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पे इसको पहले इसको हम एक बार ही फुल सेटअप कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे पैन एंड जूम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आती, क्योंकि दोस्तों मैंने फुल स्क्रीन में इसको रिकॉर्ड किया था, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से आइए, आपको पैन एंड जूम क्लिक करना है। पैन एंड जूम में क्लिक करने के बाद इसको डबल फिंगर से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ से एक कॉन्फिडेंशन करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। ये हमारी वीडियो खुल इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुकी है, और इस वीडियो को भी आपको इस तरीके से यहाँ से सेट कर लेना है पैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों मैंने ये भी इस वीडियो को आप इस तरीके से कुछ सेट कर लिया है। तो दोस्तों आपको फिर से कॉन्फिडेंशन पर और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों ये जो फ़ोटो आपने क्लिक किया था इसको आपको यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया पे ऊपर क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने जो बैकग्राउंड रिमूव करके भी फोटो बनाया था उसको आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है, और लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको फ़ोटो को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए इसको एक बार बड़ा करके इसको एक बार हम इस पर ही सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से इसको आपको सेट कर लेना। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और इसको इस पर एक बार सेट कर देना। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोटो कुछ यहाँ पे इस तरीके से सेट हो चुका है। देखिए दोस्तों एकदम फिक्स तरीके से ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाना है और इस पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। इस पॉइंट पे लेके आने के बाद यहाँ पे ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, ये जो बीच वाला ये दिख रहा है, इस पर आपको लेके आना है। यहाँ बीच बीच में यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीचे वाले फ़ोटो पर, इस प्लेट पर करके यहाँ ट्रिम टू राइट कर देना, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। इतना थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इफेक्ट डालना है, और इफेक्ट डालने के लिए लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करना है, स्टिकर पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक स्पेशल इफेक्ट नाम से आपको मिल जाएगा यहीं पे स्टिकर में, आप उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा, तो दोस्तों जो स्पेशल इफेक्ट वो मैंने अभी डाउनलोड नहीं कर पाया है, और आपको डाउनलोड करना है तो ऊपर जो कॉर्नर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों कहाँ पे आपको क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाला कॉर्नर है यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको आपको स्पेशल इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दरअसल ये वाला इफेक्ट लगाया है। तो दोस्तों लाइटिंग बफ इफेक्ट में आपको ये मिल जाएगा, ये वाला, जिसमें इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई किया है, उसको आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। दोस्तों मैंने इसको अप्लाई कर लिया है यहाँ पर, दोस्तों को जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना, थोड़ा आगे बढ़ाना है और यहाँ पर आपको थोड़ा इसको स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद ट्रिम टू राइट कर देना है, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन स्क्रीन जो अभी डाउनलोड किया है, और वो आपने अगर नहीं मिलता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट करके डाउनलोड कर लेना। तो उसको मैंने यहाँ पे देखिए दो डाउनलोड किए, यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार क्रोमा की करके इसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन वो आपको रिमूव कर देना। तो चलिए मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका। चलिए एक बार इसको जूम करके जो आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है ना, वो भी आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो दोस्तों इसको एक बार यहाँ से थोड़ा इसको 28 जो लिखा है इसको थोड़ा घटा देना है, और 15 जो लिखा हुआ नीचे इसको थोड़ा बढ़ा देना है। तो दोस्तों एम्ब्रॉयडरी दे देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। तो मैंने सेंड टू बैक कर दिया है। तो सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों ये हमारा वहीं पर उसी जगह पर पहुँच चुका। तो दोस्तों चलिए इसको एक बार सेट कर लेते हैं सही से, दोस्तों एक बार इसको सही से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। और दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा जो इफेक्ट लगा हुआ है उसके नीचे अब ये सांप दिख रहा है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा इधर आ इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे बढ़ाने के बाद ये फ़ोटो के बराबर में हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये जो फ़ोटो है ना इसको एक बार देख लेना कहाँ पे है ये। सो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो थी वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया था हाथ से मोबाइल पकड़ के। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड पे इसको लगा के ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा के तब आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप स्टैंड पे लगा के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर कोई दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइस चलिए इसको एक बार सेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो है इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं और इसको फ़ोटो के हिसाब से सेट कर लेते हैं। मैंने इसको सेट कर दिया है, और दोस्तों जहाँ ये लड़का बैठा है वहाँ पे हम इसको स्नेक को
ले जाके रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये इसको यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। चलिए एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। जो हमारा स्नेक था वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों चलिए एक बार आपको फिर से इसको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कुछ वीडियो इस तरीके से यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ये लड़का बैठ जाता नीचे, और देखिए यहाँ पर फ्लैश आता। फ्लैश आने के बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ से सांप भी आ जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से आप भी यहाँ पर अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यहाँ पे रेडी होने आपको ऊपर यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा होगा, उस पर एरो पे आपको क्लिक कर लेना और इसको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एरो पे, और यहाँ पे आपको एक फ्रेम यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। दोस्तों जो भी रेजोल्यूशन में आप यहाँ पर बनाना चाहते हो उस रेजोल्यूशन में बना सकते हो। ये दो सबसे ऊपर दिखाए फ्लैश डी, तो फ्लैश डी में इसको क्लिक कर लेता हूँ, सेव सेव वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। सेव वीडियो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। और दोस्तों आपको जो काइन मास्टर है वो विदाउट वाटर मार्क का है। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क का काइन मास्टर चाहिए तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।